हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। और आज है हमारा होली का त्योहार, तो मैंने सोचा चलो अ डे इन माई लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूं। तो सिया स्कूल गई हुई है और ना आज सिया का अर्ली स्कूल था और भी ज्यादा एवरीडे के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका ना आज रन क्लब होता है। तो वो 7 बजे तो निकल गई थी और उसकी बस नहीं होती आज के दिन, पुष्पेंद्र उसको ड्रॉप करके आते हैं, तो जल्दी से वो गई थी। तो सुबह हमारा ऐसा कुछ भी होली सेलिब्रेशन नहीं हुआ। मैं सोच रही थी थोड़ा गुलाल वगैरह कलर वगैरह हल्का सा लगा लें, बट सोच रहे हैं कि शाम को करते हैं जब सिया स्कूल से आ जाएगी, सो देट बच्चों को भी अच्छा लगेगा थोड़ा हैपनिंग सा। ब्लॉग स्टार्ट करके आप लोगों को होली की विशेस दे देते हैं। सो हैप्पी होली एवरीवन, आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां ये त्योहार लेकर आए। वेरी हैप्पी होली 2023। तो पुष्पेंद्र का ऑफिस का काम चल रहा है और बस मैं अभी घर के जो रूटीन के काम होते हैं ना वो सब कर रही थी, जाके लंच बनाना है और ऑल्सो ना कल सिया का बर्थडे भी है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत, गिर जाओगे आप इधर आओ, तो उससे रिलेटेड ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस वगैरह करनी है, जैसे कि कुछ शॉपिंग वगैरह हमने ऑलरेडी की है कुछ चीजें, और ऑल्सो कल उसके स्कूल में कुछ स्नैक्स भेजने का सोच रहे हैं। तो आज ना मैंने उसकी टीचर से मेल डाल के पूछा था कि हम लोग मतलब जो भी भेजना चाह रहे हैं वो भेज सकते हैं कि नहीं, उस हिसाब से तो वो सब भी देखना है। तो इस तरीके से अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ अ व्लॉग होगा ये। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों की होली कैसी रही। इंडिया में तो ऑलरेडी होली सेलिब्रेट हो गई है, काफी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। मेरे घर पे भी होली सेलिब्रेशन हुआ, काफी अच्छा रहा। और कई लोगों ने ना, मैंने बताया था ना मेरे भाई के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, तो कई लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज। एक और इम्पॉर्टेंट डे है आज जो मैं आपको विश करना ही भूल गई। सो अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट हेयर। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड। वुमेन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, सो लेट सेलिब्रेट दैट एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ अस। सो चलिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर है ऑर्गेनिक क्रीमी टमाटो बेसिल सूप जो मैंने कॉस्को से लिया था। सिया और भूमि इसको खा ही नहीं रहे थे एंड समटाइम्स मैं ना इसकी सब्जी भी बना देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ कि मैंने इसकी कैसे पनीर की सब्जी बनाई और बहुत अच्छी बन जाती है। कुछ ऐसे डेज हों, अचानक गेस्ट आ रहे हों, आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं है, यू कैन ट्राई इट। तो ऑयल में मैंने पहले हींग जीरा फ्राई किया है और यहाँ पर फाइन चॉप किया है जिंजर एंड गार्लिक। जब हींग जीरा फ्राई हुआ ना उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक को ऐड किया है और मीडियम फ्लेम पे पहले इसको भी फ्राई कर लिया। ऑन द अदर हैंड मैंने ना थोड़ी सी अनियन जो है वो चॉप कर ली है और साथ में हरी मिर्च और शिमला मिर्च चॉप कर ली है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं साथ में ही ऐड कर दूंगी क्योंकि पक जाएगी साथ में ही, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और हमें टमाटोज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सूप है वो बेसिकली टमाटो सूप ही है, तो फिर मैंने ये ऐड कर दिया। और मैंने ना बहुत सारे मसाले ऐड नहीं किए हैं, शाही पनीर मसाला या कोई भी पनीर मसाला हो ना एक बड़ी चम्मच भर के या फिर अंदाजे से जैसे आप चाहें ऐड कर दें। और थोड़ी कसूरी मेथी क्रश करके डाली है और फ्रोज़न पनीर मैंने ऑलरेडी मील प्रेप में करके रखा था, तो ये नानक का फ्रोज़न पनीर है और ये ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद इसको अच्छे से चला दिया और इसको उबाल आने तक, जब तक ऑयल ना रिलीज़ होने लग जाए तब तक हमें पका लेना है। तो ये देखिए सब्जी एकदम रेडी है और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर दीजिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी बन जाती है, कोई पता भी नहीं लगा सकता कि ये टमाटो बेसिल सूप वाली सब्जी है। और साथ में मैं दही सर्व कर रही हूँ। तो इस टाइप से ना कभी कभी इस तरह की रेसिपीज़ हों तो अचानक से गेस्ट आ जाएँ या कुछ है तो यू कैन प्लान दिस। और यहाँ पर मैंने आटे का डो रेडी कर दिया है और इसी के साथ हो गई हमारी तैयारी आज के होली लंच की। और बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पर मेरी लिटिल हेल्पर आ गई है और आप देखिए मेरा जो काम चलता रहता है साइड बाय साइड, इन दोनों बहनों को ना सारे वही काम करने होते हैं। तो आज भूमि को रोटी बेलने का मन है, मैंने उसको थोड़ा सा आटा दे दिया था और वो लगी हुई है अपने साथ बेलने में। ऑल्सो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोगों ने गुजिया बनाई, काफ़ी अच्छी बन गई और मैं ना एयरटाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रख दी हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिडा में ह्यूमिडिटी भी रहती है तो मुझे डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, मावा वगैरह डली है। तो फ्रिज में से थोड़ी सी गुजिया निकाल ली हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गई, उसके बाद हमने ये भी खाई। ओके सो लंच वगैरह सब हो गया है और भूमि अपना आफ्टरनून नैप ले रही है, तो थोड़ा सा फ्री हुई मैं यहाँ पर किचन में आके ना, मुझे आज धनिया साफ करना है, मेथी वगैरह और जो भी चीज़ें हैं किचन में थोड़ी बहुत प्री प्रैप करनी है। सो शाम को हम लोग फ्री हुए कलर लगाने के लिए, तो पुष्पेंद्र और हमने डिसाइड किया, जो हमारे फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में ही, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एक्चुअली, नाउ दे आर फ्रेंड्स,
तो उन लोगों को कलर लगाने जाते हैं, तो बच्चों को भी एक्चुअली अच्छा लगेगा एक दूसरे से, और वो सीखेंगे भी कि कैसे हमारे इंडियन त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अभी हम अपनी एक फ्रेंड के घर आए हैं जो कि मेरी पहले सब्सक्राइबर ही थी, स्वाति है उनका नाम। तो यहाँ पर हम लोग कलर्स वगैरह लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ना त्योहारों पे जब एक दूसरे से मिलते हैं। देखो यहाँ होली हो रही है, होली हो रही है, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऑल्सो होली के कुछ स्नैक्स जो होते हैं वो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए, मैंने गुजिया वगैरह फ्रेंड से शेयर की और उनके साथ काफी सारा स्नैक्स खाया, और मुझे लग रहा है डिनर हमारा यही हो गया था। बच्चों के लिए फिर मैंने थोड़ा बहुत कुछ बनाया था घर पे और हम लोग एकदम फुल थे। साथ में ये है हमारी शाम की चाय एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर होली टुगेदर विद फ्रेंड्स। ऑल्सो सिया और भूमि को मिली है ये काफ़ी अच्छी सी पिचकारी, और ये ना यहाँ पे यूएस के ही जो स्पोर्ट्स के कुछ स्टोर होते हैं वहाँ पे मिली, और ये फ्रेंड लेकर आए थे, अपने बच्चों के लिए भी लाए थे तो सिया और भूमि के लिए भी लाए, एंड इट्स रियली गुड एक्चुअली। तो समर वेकेशन में मैं ना दोनों को पानी भर के दे दूँगी, खेलती रहेंगी, और अभी तो ये यूज़ नहीं हो पाई एक्चुअली, रात हो गई थी काफ़ी, बट बहुत अच्छी है ये, मैं समर वेकेशन में दोनों को कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्व करूँगी। गाइस वेलकम बैक, अभी ना सारी ही फैमिली मेंबर्स सो रहे हैं और ना इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ। तो हमारा होली सेलिब्रेशन ना बहुत अच्छा रहा, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं ना उस पर थोड़ा सा लोगों से मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करो ना तो रौनक बनी रहती है त्यौहारों की। तो हमारे रिसेंटली यहाँ सोसाइटी में एक दो जो फ्रेंड्स हैं मेरे वो बने हैं, बेसिकली दे आर माई सब्सक्राइबर्स नाउ, दे आर माई फ्रेंड्स, उन लोगों के साथ के ऐसे सेलिब्रेट किया ना तो काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट बच्चों को बहुत मजा आया, तो जो बच्चे इंजॉय करते हैं ना तो फेस्टिवल्स के उनको मीनिंग समझ में आते हैं कि कैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और दोनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उनके बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, आपस में खूब खेला। सिया भूमि के बालों में खूब सारा कलर भरा हुआ था, पूरी बॉडी पे लग गया था कलर, तो वहां से आने के बाद ना मैंने दोनों को ना वार्म शावर दिया है, जैसे उनके बाल वगैरह वॉश किए, फिर ड्रायर वगैरह कर दिए, डिनर हो गया उनका और वो आराम से सो गई। पता नहीं क्यों मुझे ना नींद नहीं आ रही है, अचानक से ना मेरी नींद जो बोलते हैं ना कि नींद एकदम चली गई है, बिल्कुल आ नहीं रही है, वैसा हो गया है। फिर फालतू में लेटे रहने की बजाय मैंने क्या किया, जो भी मेरे जो होली के जो कपड़े थे ना बच्चों के, मेरे पुष्पेंद्र के सारे कपड़े डाल के मैंने उनको वॉश पे लगा दिया, वो वॉश हो गए हैं, उनको अभी ड्राई कर दूंगी। के साथ में यहाँ डाइनिंग एरिया में बैठ के ना अपना थोड़ा एडिटिंग का काम करने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो ये काम खत्म कर देते हैं। कल सिया का बर्थडे है तो उसको ना लंच बॉक्स नहीं ले जाना है, शी सेड कि मम्मा मुझे ना स्कूल से ही लंच बाय करना है। तो स्कूल में ना बच्चों का एक लंच मील अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो बच्चे वहां से लंच बाय कर सकते हैं। इस साल सिया ऑलमोस्ट सारे ही टाइम लंच घर से ही ले जाती है, बस एक दो बार उसने लंच वहां से बाय किया है, उसकी पिकनिक होती है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, स्कूल में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है उस टाइप से, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको घर से ही लंच देती हूँ, बट उसका बर्थडे है तो शी वॉन्ट्स कि उसको वहीं से लंच लेना है। तो कल मुझे लंच भी नहीं बनाना है, कल सिया का बर्थडे है, सो शी इज वेरी एक्साइटेड एंड सो आई एम। सिया के स्कूल में देने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आई हूँ जो मैं कल ड्रॉप करके आऊंगी रिसेप्शन पे, मैं कल वाले व्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। तो ओवरऑल आज का व्लॉग यहीं तक था। ऑल्सो आप लोग मुझे काफी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सारे ही वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। एंड इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अ वेरी हैप्पी होली 2023 टू ऑल ऑफ यू एंड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, एंड आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग जो होगा शायद सिया के बर्थडे से रिलेटेड होगा, तो उसी का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। बाय।